हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। अपने फिर से अपने राजस्थान इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो अपने जो जितने भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, और वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं वो, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो, उन सब के लिए ये टॉपिक राजस्थान का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, इतिहास तो आपको अन्य यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, लाइव क्लास में मिल जाएगा, आप मॉल खरीद के भी पढ़ सकते हो, बुक में भी पढ़ सकते हो, सब जगह मौजूद है। लेकिन सबसे अच्छा आपको कौन पढ़ाता है, याद आपको कौन करवा सकता है, जल्दी से जल्दी समझ में कहाँ आता आपको, वो मेन फैक्टर वो होता है दोस्तों। तो हम आपको पता है कि अपने चैनल पर जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो एक राजस्थान इतिहास के वो कहानी के रूप में बनाता हूँ। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आपको यही याद हो जाता है, ज़्यादा याद करने की बाद में जरूरत नहीं पड़ती, एक दो बार रिपीट कर लो तो आपको पूरा पूरा याद हो जाता है दोस्तों। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के ऊपर लगातार बने रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जब भी आप खाली टाइम हो तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको मतलब राजस्थान इतिहास का तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, मेरी गारंटी है दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये और है कि जो परीक्षा उपयोगी होगा, जो महत्वपूर्ण होगा, वो ही हमें इस चैनल पे और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वही पढ़ाएंगे आपको, एक्स्ट्रा आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आप आज पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वो जो घंटी का आइकन है उसको दबा लो ताकि नोटिफिकेशन, हर क्लास जो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आज मतलब आपको पता है कि कोई फ्री में कोई एक आवाज़ भी नहीं देता, और ऐसे युग में मैं आपको निस्वार्थ भाव से आपके लिए वीडियो बनाकर इतनी मेहनत करके मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका एक रुपया भी खर्च ना हो, पढ़ाई की तैयारी को लेकर एक रुपया भी खर्च ना हो। ऐसा ना हो कि आप परचेज करें क्लास कोर्स है वो सब कुछ, उससे अच्छा कंटेंट आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं आपको ये सब करने की दोस्तों, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मित्र हैं, घर वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इन सब की, उनके साथ भी ये वीडियो, मैं आपसे देखो बदले में कुछ नहीं मांग रहा हूँ, इतनी मेहनत के बदले मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फायदा हो। तो आप शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है ना, अपने व्हाट्सएप में जितने भी यार मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता चले दोस्तों। देखो फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो उसका फायदा सबको होना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ मैं देख लूँ और किसी को पता नहीं चले। ज़्यादा से ज़्यादा मन में पॉजिटिव भावना रखो दोस्तों, ठीक है ना। तो अपनी क्लास है वो आज से शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इतिहास ने तीन कालखंडा के मायने बांटे गए। पहलो अपनो प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों, यू वो युग थो जंग मायने पत्ता बांध की घूमया करता, नंगा पुंगा, पिक्की फिल्म देखी है कि बेंगी तरह उतर आया था जमीन के ऊपर इंसान, और बैठे आंगन पहरने के लिए कुछ भी कौन थो, सिर्फ बाद में ये पत्ता पत्ता बांधना शुरू कराया था, यानी पषाण युग बोलने मैंने, झिंगा लाला हुर हुर देखा हुआ था कहते फिल्म आंगा मैंने, वो युग यो थो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को, ठीक है ना। एंगो तो कोई लिखित में नहीं, तो कोई लिखित में प्रमाण है तो अपना पतो भी कोनी, तो एंगो कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण है वो मौजूद कोनी दोस्तों, ठीक है ना। एंग मायने वैज्ञानिक अनुमान के लगावें, ए युग के मायने के इंसान ने पहली सबसे पहले समूह में रहना सीखा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि एकला उतरिया था तो ये जमीन के ऊपर पैदा होया तो डर लग गया, अगर तो पहली तो ये पहली पोत किया गया इंसान एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित हो, एक सागे समूह बना के रहने लग गया, समूह बना के रहने लग गया था, अनबेरों के खाने पाने की अन पिण की सबकी जरूरत पड़े, तो उसके लिए इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और खेती के लिए आपको पता है कि भी इतना काम है वो एक साथ ये खुद तो कर नहीं सकते, पशुओं की सहायता की जरूरत पड़ी इनको, तो किए गए पशु पालना स्टार्ट कर दिया है। ऐ युग का मायने पशुपालन है इन्होंने सीखा। अब पशु पालने लगे तो आपको पता है कि अब सामान वगैरह ढोने के लिए पशु की तो ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा सामान ढोने के लिए उनको दिक्कत आती थी, तो उन्होंने क्या किया कि पहिए का आविष्कार किया। सबसे पहला जो वैज्ञानिक आविष्कार है वो पहिए का आविष्कार था, और वो इसी युग में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। इसमें ही तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो इस प्राग ऐतिहासिक युग में आती हैं। अच्छा, इसका टाइम कितना था दोस्तों, ये था जीरो से, यानी जीरो सन से लगा के ये 2500 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 2500 ईसा पूर्व जब तक का जो समय है वो इसी युग में आता है, याद रखना, ठीक है ना। ईसा मसीह का जो जन्म है उससे 2500 साल पहले, और उससे पहले का जो समय है वो इसी युग का है। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक युग की जो डेट है वो कब से कब तक था वो देखें, तो जब इंसान ने इस धरती पर कदम रखा था उससे लगा के 2500 साल ईसा पूर्व तक। अब ये ईसा पूर्व क्या झंझट है दोस्तों, एक तो ईसवी सन होता है, एक ईसा पूर्व होता है। मैं छोटी सी जानकारी आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। ये ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ना, ईसा मसीह का,
उससे ये अपना इंग्लिश जो कैलेंडर है वो शुरू हुआ था, जैसे 00001 ये जो साल शुरू हुई थी ना, इससे जो पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व का समय कहलाता है। जो ग्रिगेरियन कैलेंडर है, अपनी अंग्रेजी तारीख जिसको बोलते हैं, वो ग्रिगेरियन कैलेंडर है। और वो आपको पता है अंग्रेजों ने शुरू किया था, और ज़्यादातर वो ईसाई हैं, तो उन्होंने ईसा मसीह के जो टाइम है उसके हिसाब से उन्होंने शुरू किया था। तो ईसा मसीह का जो जयंती है उससे उन्होंने शुरू किया था, वो एक तारीख शुरू मानते हैं उसको, और उससे पहले का युग है वो ईसा पूर्व मानते हैं, यानी ईसा मसीह से पहले का जो टाइम है वो, और उससे बाद का समय है वो सीधा ईसवी सन में गिना जाता है। दोस्तों 90% बच्चों को ये बात नहीं पता है, लेकिन आज ये बेसिक सी जानकारी है वो आपको मैंने बता दी है। दूसरा अपना आदित्यासिक काल, यानी जो बीच का युग आता है वो, जो अपने सभ्यताएं मिली है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब जो सभ्यताएं मिली है, वो सभ्यताएं क्या है कि सभी सभ्यताएं आदित्यासिक युग की है। दोस्तों इसके क्या क्या लक्षण है, आदित्यासिक युग को कैसे डिफाइन करेंगे अपने, तो आदित्यासिक युग में दोस्तों ये लिखना तो जानते थे, इसका लिखित में प्रमाण भी है, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि उनके पास कोई लिपि नहीं थी। दोस्तों वो क्या है कि दीवारों पर ऐसे भावनात्मक चित्र व्यक्त करते थे और कुछ ऐसे आडी टेढ़ी लाइनें लिखते थे, तो उनकी कोई स्पष्ट लिपि नहीं थी, तो उनकी लिखने की जो कला है वो मतलब भावचित्रात्मक विधि, यानी कार्टून बनाते ना इमोजी, वैसे वो चित्र लिखते थे अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए। तो एक तो वो कि भावचित्रात्मक सर्पिलाकार विधि, यानी वो सांप से बनाते थे, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, प्रमाण तो मिल गए अपने को लेकिन पढ़ नहीं सकता कोई भी आज तक, ठीक है ना। और एक बुष्टोफिदन विधि है, गोमूत्रिका विधि है, ये बहुत सारी ऐसी विधियाँ थी, मतलब जैसे जैसे गोमूत्र करती है उसी तरह उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, उनको देख के आंकड़े बना दिए, कुछ डिज़ाइन बना दिए, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता दोस्तों, ठीक है ना। तो ये युग था अपना आदित्यासिक युग, ये था दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लगा के और 1500 ईसा पूर्व, ये घटते हुए क्रम में चले, क्यों दोस्तों हम पीछे से चल के आ रहे हैं, ठीक है ना, ईसा पूर्व के समय से पीछे से चल के आ रहे हैं, और अपने कहाँ पहुँचेंगे, अपने जीरो तक पहुँचेंगे, जहाँ से अपनी अंग्रेजी तारीखें स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो दूसरा अपना आदित्यासिक युग का, पहला तो था अपना 0 से 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना, स्टार्ट टाइम, और उसके बाद दूसरा आदित्यासिक युग है ये 2500 से लगा के 1500 ईसा पूर्व तक का दोस्तों टाइम, ठीक है ना। मैंने इसमें आपको बता दिया कि इसका लिखित का प्रमाण है लिखित में, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता, वो ऐसे सर्पिलाकार विधि से इनसे लिखते थे, ठीक है ना। दो तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको दूसरे का उदाहरण बता दिया, अपने हड़प्पा सभ्यता है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब क्या है, इसी सभ्यता का, इसी इतिहास का, इसी युग का वो उदाहरण है। तीसरा अपना ऐतिहासिक युग दोस्तों, इस ऐतिहासिक युग में क्या है, अपने पास लिखित में इनके प्रमाण भी हैं इस युग का, ये युग स्टार्ट हुआ वहाँ से अपने पास लिखित में प्रमाण है, और वो पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वैदिक युग है ना अपना, वैदिक युग जो वेद व्यास ने महाभारत वगैरह लिखी थी, वो युग यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से ये शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट माना जाता है इसको, इसमें अपनी वैदिक सभ्यता, ये सभ्यता है ना जितनी भी, वो आ गई दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था, इसमें मौर्यकालीन सभ्यता है वो भी इसी में थी दोस्तों, ठीक है ना। ये अपने इतिहास के 3 काल हो गए दोस्तों, ठीक है ना, कितने पार्ट में बांटा गया, मैंने आपको सन बता दिया, इनके उदाहरण बता दिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं इतिहास के मेन पॉइंट पर, कि अपने विश्व का इतिहास वो सबसे पहले किसने लिखा, भारत का इतिहास वो सबसे पहले किसने लिखा, और राजस्थान का इतिहास वो सबसे पहले किसने लिखा दोस्तों। तो सबसे पहले अपने, क्योंकि राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी वो कंप्लीट करके ले आते हैं। तो दोस्तों विश्व का इतिहास है वो हेरोडोटस ने लिखा था, हेरोडोटस, ठीक है ना, उसने बुक लिखी थी, स्टोरी का बुक लिखी थी, और वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग अपने भारत भी आया था दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना। यूनान का था वो, नाम था उसका हेरोडोटस, और उसने पुस्तक लिखी थी स्टोरी का, ठीक है ना, और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व वो भारत में आया था, यानी अपना 6वीं शताब्दी से शुरू होता है ये काल अपना ऐतिहासिक काल, और वो 5वीं शताब्दी इसके लगभग 100 साल बाद में, ऐतिहासिक को अपना स्टार्ट हुआ ना उसके लगभग 100 साल बाद में, लेकिन अभी भी अपनी जो अंग्रेजी जो सन है स्टार्ट नहीं हुई है, ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है ना, वो भारत आया था। ये हो गया अपने दोस्तों विश्व के इतिहास की जानकारी। अब अपने बात आते हैं अपने भारत के इतिहास का जनक कौन है। तो दोस्तों भारत का इतिहास है वो वेदव्यास ने लिखा, वेदव्यास है उसको जनक मानते हैं दोस्तों, उन्होंने महाभारत लिखी थी। तो अपना सबसे पुराना जो इतिहास है, लेखन शैली है, वो अपने महाभारत से मानते हैं, और उसको वेदव्यास ने लिखा था। तो भारत के इतिहास का जनक जिसको मानते हैं वो वेदव्यास है, ठीक है ना।
और उनने महाभारत लिखी थी। अब दोस्तों बात करते हैं अपने राजस्थान की। तो अपनों पता ही है कि राजस्थान में जो मध्यकालीन युग था उस समय राजा रजवाड़ा थे, राजपूतों का शासन था, उस समय जो विदेशी शासक आए थे तो उस समय ही इतिहास का चलन लिखने का ज़्यादा वो स्टार्ट हुआ था। उससे पहले कोई ज़्यादा लिखित में कोई ध्यान नहीं दिया राजस्थान के इतिहास के, नहीं लिखा। तो एक अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था, उस समय की बात बताता हूँ आपको। तो उस समय एक अपना उनका पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टोड, जिनको अपने अपना मेवाड़ है ना, मेवाड़, उस मेवाड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल जेम्स टोड को पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया। पी ए बोलते हैं जिसको, पॉलिटिकल एजेंट, उसके रूप में उनको वहां पर नियुक्त किया। अच्छा, राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक सी जानकारी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन निकलते हैं, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अपने कर्नल जेम्स टोड की बात कर रहे थे, वहां पर किया था, मेवाड़ में नियुक्त किया था, और उस समय वहां का शासक था दोस्तों भीम सिंह सिसोदिया, मेवाड़ का शासक, जिस समय कर्नल टोड को नियुक्ति दी गई थी ना मेवाड़ में, उस समय भीम सिंह सिसोदिया वहां का शासक था। तो ये क्या है कि था तो पॉलिटिकल एजेंट, लेकिन ये बंदा क्या है कि बड़ा दिलचस्प था, इंटरेस्टिंग था। ये अपना घोड़ा रखता था, ठीक है ना, घोड़े पर वो क्या एक रियासत से दूसरी रियासत में ऐसे घूमता फिरता था। तो इसको इतिहास वगैरह की इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस बंदे को। तो इसने क्या कि यहाँ के इतिहास को देखा, यहाँ के लेखन शैली को, यहाँ के जो लिखे हुए थे छोटे मोटे जो ऐतिहासिक जो चीज़ें थी वो लिखी हुई थी उनको देखा, तो इसको इंटरेस्टिंग लगा। तो इसने क्या है कि मन में सोच लिया कि राजस्थान का इतिहास तो मैं लिख के जाऊँ। अंग्रेज, आपको पता है अंग्रेज हर बार कुछ ऐसा काम कर जाते हैं तो उनको लोग याद रखते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, घोड़े वाला बाबा किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये घोड़े पर रहता था, इसको घोड़े वाला बाबा बोलते, पॉलिटिकल एजेंट था जेम्स टोड। इसने क्या कि राजस्थान का इतिहास लिखा, और राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये यहीं का होकर रह गया था, काफ़ी लंबे समय तक इसने अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारी थी, घोड़े वाला बाबा बोलते हैं। अब इसने पुस्तक भी लिखी। अब देखो दोस्तों, इतिहास का जनक कहेंगे तो ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि फलाणो आदमी आठायो इतिहास को जनक, वो ही हो गयो, कुछ ना कुछ लिखा को जरूर। इतिहास का जनक तभी मानेंगे कि वो लिखित में कुछ इतिहास वो अपना रिटर्न में दे कुछ भी, ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पहली पुस्तक लिखी यहाँ पर, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों बहुत बार आरएस परी में और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस, यानी ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई एग्जाम शायद ही बनता होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। एक साल छोड़ के, दो साल छोड़ के कभी न कभी ये रिपीट हो जाता है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों इसके तीन वॉल्यूम आए थे, यानी इसी बुक के, इस एक बुक के ही तीन वॉल्यूम आए थे दोस्तों, ठीक है ना, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम। इसका ही दूसरा जो भाग था वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, दूसरी बुक ये थी, और तीसरी थी वेस्टर्न ट्रेवल इन इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, ठीक है ना। थोड़ी सी याद रख लो, इतना कोई दिक्कत को नहीं दोस्तों। तो ये थी अपने बेसिक अपने इतिहास की जानकारी दोस्तों, ठीक है। अब आप राजस्थान को इतिहास वो शुरू करांगा, और राजस्थान को इतिहास आप शुरू करांगा तो सबसे पहले आप चुहाना को इतिहास है वो शुरू करांगा, जैसे अपने अजमेर को, जालोर को, आठे को इतिहास है वो लगभग एम आ जाएगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, शुरू करा आप।